नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में दावा किया, दुनिया का कोई भी देश बच्चों को कोविड वैक्सीन नहीं लगा रहा है। बच्चों को वैक्सीन लगाने पर WHO का कोई सुझाव नहीं है। भारत में बच्चों पर जल्द ही ट्रायल शुरू होंगे। ट्रायल आधारित डेटा उपलब्ध होने के बाद वैज्ञानिकों को फैसला लेना है। सीतारामन के ट्वीट में इन दावों के साथ सरकारी सूचनाओं की नोडल एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB का एक लिंक चस्पा है। ये एक प्रेस रिलीज का लिंक है जिसकी जानकारियां नीति आयोग की ओर से तैयार की गई हैं। नीति आयोग के मुताबिक आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने इस प्रेस रिलीज के जरिए भारत में चल रही कोविड टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। यानी जो बातें निर्मला सीतारामन ने लिखी हैं, उसका मूल स्रोत नीति आयोग और सदस्य डॉक्टर पॉल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का ये ट्वीट देखिए, मिथक और सत्य बताते फॉर्मेट में उपलब्ध इस प्रेस रिलीज के 7वें पॉइंट में लिखा है। मिथक 7, केंद्र बच्चों के टीकाकरण के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। तथ्य, अभी तक दुनिया का कोई भी देश बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है। साथ ही WHO ने बच्चों का टीकाकरण करने की कोई सिफारिश नहीं की है। बच्चों में टीकों की सुरक्षा के बारे में अध्ययन किए गए हैं और यह उत्साहजनक रहे हैं। भारत में भी जल्दी बच्चों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। हालांकि बच्चों का टीकाकरण व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाई जा रही दहशत के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए, और क्योंकि कुछ राजनेता इस पर राजनीति करना चाहते हैं। परीक्षणों के आधार पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध होने के बाद ही हमारे वैज्ञानिकों द्वारा यह निर्णय लिया जाना है। सीतारामन के साथ साथ यही जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साझा की है। ऑल इंडिया रेडियो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे कोविड ट्विटर हैंडल से भी इसे शेयर किया गया है। इस दावे की पड़ताल करने पर हमने पाया, केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल समेत नीति आयोग का ये दावा गलत है। दुनिया में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन लग रही है या फिर लगाने पर मंजूरी दी गई है। कुछ कीवर्ड्स की मदद से हमने खोजा तो इंटरनेट पर कई मीडिया रिपोर्ट्स मिल गईं। दुनिया में कम से कम अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात UAE में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 मई 2021 को 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन देने के लिए मंजूरी दे दी थी। अमेरिका में बीमारियों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार संस्था CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित बताया है। CDC ने अपनी वेबसाइट पर 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने संबंधी दिशा निर्देश और आम भ्रांतियों के जवाब भी दिए हैं। अमेरिका में बच्चों को कोविड वैक्सीन दी जा रही है। राइटर्स में 18 मई 2021 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बीते एक हफ्ते यानी कि 18 मई से पहले में 12 से 15 साल की उम्र के करीब 6 लाख बच्चों को वैक्सीन दी है। CDC से मिली जानकारी के मुताबिक 17 साल तक के करीब 40 लाख बच्चों को अमेरिका में अब तक कोविड वैक्सीन लग चुकी है। कनाडा में भी वैक्सीन लग रही है। वहां अमेरिका से भी पहले 5 मई 2021 को 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। कनाडा के संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार सुप्रिया शर्मा ने फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षित बताया था। अमेरिका और कनाडा के अलावा UAE में भी बच्चों को कोविड वैक्सीन देने के लिए स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। खलीज टाइम्स पर 23 मई को छपी जानकारी के मुताबिक दुबई में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए खोल दिया गया है। सिंगापुर में भी मामले बढ़ते देख 18 मार्च 2021 को 12 से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 12 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का कोई सुझाव हमें नहीं मिला। ये वीडियो बनाए जाने तक WHO 16 से ज्यादा उम्र के इंसानों को ही वैक्सीन लगाने की सलाह दे रहा है। हालांकि कई देश WHO की सिफारिशों का इंतजार किए बिना अपनी आबादी को कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं। तो फाइनल नतीजा ये निकला कि इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, UAE और सिंगापुर में 12 साल से ज़्यादा के बच्चों को कोविड वैक्सीन दी जा रही है या मंजूरी दी जा चुकी है। भारत सरकार के मंत्रियों निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल और नीति आयोग का दुनिया में कहीं भी बच्चों को कोविड वैक्सीन ना देने का दावा इसलिए गलत है। आपके लिए पड़ताल की हमारे साथी रजत ने। देखने के लिए शुक्रिया।